गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम का जो अपना चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर सॉर्ट आउट कर रहे थे। हम लोगों ने इसमें जेंडर से संबंधित ग्रामर का जो इसका पार्ट है, ग्रामर का जो पोर्शन है, उसमें से ये पढ़ा था मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है, फीमिनाइन जेंडर क्या होता है। तो जेंडर के बारे में आपने ये पढ़ करके पता लगाया कि क्या जिस शब्द से या जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी पुरुष जाति का बोध हो वो क्या कहलाता है। पुरुष जाति का जो बोध होता है वो कहलाता है मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर। और हिंदी में इसे कहते हैं पुलिंग, क्या कहते हैं, पुलिंग। और जिस शब्द से या जिस संज्ञा शब्द से हमें केवल महिला जाति का या नर सॉरी मादा जाति का बोध हो उसे कहते हैं फीमिनाइन जेंडर, क्या कहते हैं, फीमिनाइन जेंडर। और हिंदी में उसे कहते हैं स्त्री लिंग। ये दो बातें कल हमने पढ़ी थी। तो हमने ये भी पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू योर लेवल देर आर टू टाइप्स ऑफ जेंडर्स वी आर डिस्कस। दो प्रकार के जो आपके लिंग होते हैं, जेंडर होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इसमें हमने कुछ ऐसे वर्ड सेंटेंसेस लिखे थे एग्जांपल्स के तौर पर भी, मैंने जैसे इसमें बताया था, इसमें आ गया बॉय आ गया, फादर आ गया, इसमें मान लो गर्ल आ गई, मदर आ गई। तो ये शब्द से आप महसूस कर सकते हैं कि इस शब्द से लड़का और लड़की, लड़के का और पिताजी का बोध हो रहा। तो ये पुरुष जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए ये मैस्कुलाइन जेंडर की श्रेणी में या पुलिंग की श्रेणी में आ गए। फीमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग, गर्ल और मदर दोनों नर स्त्री जाति को, किसको, मादा जाति को या स्त्री जाति को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए वो इसमें आ गई, मैस फीमिनाइन जेंडर में या स्त्रीलिंग में आ गई। अब देखो हम एक एक्सरसाइज करते हैं जिसके अंदर आपको ये फाइंड आउट करना है कि शब्दों में व्यवस्थित करके पुलिंग लिखिए और फिर उनका स्त्रीलिंग से मिलान करिए। आपको एक जंबल्ड वर्ड मिलेगा जिसको आपको सही करके उसको, पहले तो उसकी मीनिंग को करेक्ट करना है, फिर मीनिंग करेक्ट करने के बाद आगे वाले ऑप्शन में आपको मिलेगा उसका फेमिनाइन जेंडर, उसके साथ मैच करना है। ठीक है, तो अब हम चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, अनजंबल अनजंबल एंड राइट द मैस्कुलाइन एंड राइट द मैस्कुलाइन, यानी जो अव्यवस्थित है उनको पहले तो व्यवस्थित कीजिए, जंबल जो है जंप लगाए हुए उनको अनजंबल कीजिए, व्यवस्थित कीजिए एंड राइट द मैस्कुलाइन जेंडर, फिर उसका मैस्कुलाइन जेंडर लिखिए, मैस्कुलाइन जेंडर एंड मैच। और क्या करना है आपको, उसको मैच करना है द विद द फेमिनाइन जेंडर, विद द फेमिनाइन जेंडर। अब फेमिनाइन जेंडर का मतलब पता है आपको क्या होता है, स्त्रीलिंग। देखो पहले तो हमारे पास अव्यवस्थित शब्द होंगे उनको व्यवस्थित करना है, राइट द मैस्कुलाइन जेंडर एंड मैच विद द फेमिनाइन जेंडर। पहले में दो ऑप्शन है हमारे पास बुक्स में, वो लिख देता हूँ। पहला ए वाला इधर, इसमें लिखा हुआ है वाई बी ओ, वाई वाई बी ओ। अब इसको सही करके लिखना है यहां, फिर उसके आगे लिखा हुआ है एम्प्रेस, ये नंबर वन। ये फिर दूसरा आपके पास ऑप्शन है बी वाला, बी में आपके पास मीनिंग रहेगी आई एच ई आर, आई एच ई आर, और इसको यहाँ शुद्ध करके लिखना है और यहाँ आ जाएगा सेकंड नंबर पर एक्ट्रेस,
फिर इधर आएगा आपके पास थर्ड नंबर सी वाला ऑप्शन, उसमें आपके पास आ रहा है ई आर ई एम पी ओ आर, और फिर इसको इधर शुद्ध करके लिखना है, और इधर आपके थर्ड नंबर के पास का जेंडर के लिए वर्ड आएगा गर्ल, फिर आता है आर ए टी ओ सी, ये जंबल वर्ड है, इसको हमें सही करना है और इसके सामने लिखना है। फोर्थ में इधर आएगा हेड मिस्ट्रेस, और इधर लिखना आपको आर एस डी एच ई आर एस डी एच ई एम ए टी ई, इसको शुद्ध करके लिखना है, और इधर पांच नंबर में आपको मिलेगा हेयर्स एच ई आई आर ई डब्ल एस। देखो इधर वाले सारे जेंडर हैं वो इनके अपोजिट जेंडर हैं, ये बात क्लियर हो गई। पहले तो इनको शुद्ध करके लिखना है, तो जैसे बी वो वाई का क्या बनेगा वाई बी ओ, इसका मीनिंग बनेगा बी ओ वाई बॉय, और बॉय का मैच किससे हो रहा है गर्ल से, ठीक है। तो इसके बराबर में यदि मैं नीचे लिखना चाहूँ इसको शुद्ध करके, मान लीजिए इसका आंसर लिखेंगे इधर से ऐसे, तो पहला नंबर जो ए है वो तो क्या बन रहा है बी ओ वाई बॉय, और इसका अपोजिट जेंडर क्या आ रहा है इसमें से छांट करके इसके सामने लिख देंगे तो जी आई आर एल गर्ल। ऐसे इधर से बी वाला ले लेंगे, बी का मीनिंग क्या बनेगा आई एच ई आर, तो क्या बन जाएगा एच ई आई आर हेयर, हेयर यानी क्या होता है सम्राट, और हेरिस कहाँ इसमें ये आ गया एच एच ई आई आर ई डब्ल एस सम्राज्ञी, यानी सम्राट और सम्राज्ञी, राजा और रानी यू समझ लीजिए, हेयर यानी सम्राट या राजा होता है, हेयर्स यानी सम्राज्ञी या रानी होती है। फिर हमारे पास तीसरा वर्ड आ रहा है एम्पायर, क्या आ रहा है एम्पायर, इस वर्ड को हम देखते हैं एम्पायर सी वाला जो है अपने पास वर्ड आएगा ई एम पी ई आर ओ आर एम्पायर, और एम्पायर का मतलब होता है सम्राट, तो ये बन जाएगा ई एम पी आर ई डब्ल एस। उसके बाद अपने पास आएगा डी, डी में आएगा एक्टर, इसका क्या बनेगा जैसे इसका बन गया एच ई आई आर हेयर, इसका बन गया ई एम पी ई आर ओ आर, और इसका बन जाएगा ए सी टी ओ आर एक्टर, क्या बन जाएगा ए सी टी ओ आर और एक्टर, एक्टर का अपोजिट जेंडर एक्ट्रेस एक्ट्रेस। उसके बाद अपने पास मीनिंग बचेगा लास्ट वाला, ये इसका हम मीनिंग बनाएंगे, तो इसका जंबल वर्ड जो है वो किस में जाएगा ई लगा करके हम लिखेंगे एच ई ए डी एम ए एस टी ई आर हेडमास्टर, और इसका बनेगा एच ई ए डी एम आई एस टी आर ई डबल एस हेडमिस्ट्रेस। इस तरीके से ये पांच वर्ड जो जंबल्ड वर्ड्स हैं इनको हमने एक पहले तो जंबल से इनको सही ऑर्डर में बदला, फिर उसके जेंडर से इसको मैच करवाया, ये बन जाएगा इधर से एच ई ए डी शॉर्ट लिख देता हूँ बीच में आ रहा तो एम ए एस टी ई
आर हेडमिस्ट्रेस, बॉय हेड, एम्पेरर एक्टर, हेडमास्टर। ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं वो बने हुए हैं। इन वर्ड्स को हम समझते हैं पहले कि इसका क्या क्या। सबसे पहले हम रिपीट कर लेते हैं एक बार, देखिए, अनजम्बल एंड राइड द मैस्कुलाइन जेंडर एंड मैच विद द फेमिनाइन जेंडर। अनजम्बल जो वर्ड्स है पहले तो उनको जम्बल करना है, अनजम्बल यानी जो जम्बल वर्ड है उनको व्यवस्थित करना है, एंड राइट द मैस्कुलाइन जेंडर और उसका मैस्कुलाइन जेंडर लिखना और फिर मैच विद द फेमिनाइन जेंडर। तो देखो इसका तो क्या बन जाएगा, बॉय, इसका हेयर, एम्पेरर एक्टर, हेडमास्टर। कितने शब्द है, बॉय यानी लड़का होता है, हेयर यानी राजा या राजकुमार होता है, एम्पेरर यानी सम्राट होता है, एक्टर यानी अभिनेता होता है और हेडमास्टर यानी अध्यापक प्रधानाध्यापक जिसको कहते हैं वो होता है। अब इनके अपोजिट जेंडर भी इधर दिए हुए हैं उनसे भी मैच करना है, जैसे बॉय का गर्ल से मैच हो गया, हेयर का हेयरेस से हो गया, एम्पेरर का एम्प्रेस से हो गया, ये हेयर इधर आ गई, ये एम्पेरर इस एम्प्रेस से मिल जाएगी, एक्टर जो है वो एक्ट्रेस से मिल जाएगी और हेडमास्टर जो है हेडमिस्ट्रेस से मिल जाएगा, इस तरीके से मैच हो रहा। अब मैंने देखो आप ऐसे करोगे तो जब इसको चेक वगैरह करते हैं तो या समझ में नहीं आता कौन सी लाइन किधर मिल रही है, तो आपको आंसर इस तरीके से देना होता है। जैसे पहले इस जम्बल को नीचे लिखा, ये अव्यवस्थित जो वर्ड है उसको हमने व्यवस्थित किया, मैंने यहाँ तो समझने के लिए लिखा है, आपको आंसर में लिखना है इसका जम्बल का बना बी ओ वाई बॉय, बॉय का अपोजिट जेंडर क्या बन गया, विपरीत जो लिंग है वो गर्ल, हेयर का हेयरेस, ऐसे एम्पेरर एम्प्रेस, एक्टर एक्ट्रेस, हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस। इस तरीके से आपको इन शब्दों को एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से लिखते हुए अपनी नोटबुक में मेंशन करना। देखो सबसे पहले यू कैन राइट दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक विद गुड हैंडराइटिंग, आप बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक में इन क्वेश्चंस को लिखना है, फिर आम क्वेश्चन में ये शब्द लिखना है, ये जम्बल्ड वाले लिखने हैं, फिर ये इधर वाले लिखने, और ये जो मैंने बीच में समझाए वो आपको ब्लैंक छोड़ने, फिर आंसर में लिखने, आपको आंसर में ये जो मैंने जम्बल से इधर बॉय बनाया वो बॉय लिखो, बॉय का अपोजिट जेंडर क्या है, गर्ल, हेयर हेयर का अपोजिट जेंडर हेयरिस, एम्प्रेस का अपोजिट जेंडर एम्प्रेस, एक्टर का अपोजिट जेंडर एक्ट्रेस, हेडमास्टर का अपोजिट जेंडर हेडमिस्ट्रेस। इस तरीके से आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और इसे एज ए होमवर्क के रूप में भी करना है, आज का आपका गृह कार्य भी है, यू कैन राइट इट योर नोटबुक बहुत अच्छे से साफ सुथरी एकदम बढ़िया वाली राइटिंग में लिख करके जमा जमा करके लिखनी है और साथ ही साथ इसको याद भी करनी है। और जिन बच्चों ने बुक्स नहीं लिए, नोटबुक्स नहीं है, वो अवेलेबल हैं, ले सकते हैं आप लोग, और मार्केट से भी ले सकते हैं, स्कूल में भी अवेलेबल है, वहाँ से भी इसको खरीद सकते हैं, और जिनको प्रॉब्लम होती है वो बुक से भी देख सकते हैं, आप वीडियो में उसको पढ़ें, पढ़ने के बाद क्या बताया गया अपनी नोटबुक में मेंशन करें, बुक में मेंशन करें, वहाँ से उसको रीड एंड राइट करें, इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। इसलिए मैंने जो एक क्वेश्चन करवाया है इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से करना है, इसमें किसी प्रकार की डेट वाइज होना चाहिए सब कुछ, एकदम डेट लगा करके आज की जो डेट दी गई है वो डेट लगाएंगे, क्लास लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, चैप्टर का नाम लिखेंगे, आज की डेट में आपको क्या वर्क दिया गया था ये वर्क आप पूरा करेंगे। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया गया, पहले तो अनजम्बल वर्ड है उनको जम्बल करना है, जम्बल करने के बाद, व्यवस्थित करने के बाद उसके उसके अपोजिट जेंडर से मैच करना है। यह आपका क्वेश्चन था, थैंक यू वेरी मच।